फ्रेंड मैं आप लोगों को आज टर्मक्स के कुछ बेसिक कमांड के बारे में बताने वाला हूं और कुछ मैं आप लोगों को पैकेज इंस्टॉल कराऊंगा। तो चलते हैं फ्रेंड अपने टर्मक्स ऐप के अंदर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलते हैं फ्रेंड अपने टर्मक्स ऐप के अंदर। तो टर्मक्स ऐप के अंदर आने के बाद सबसे पहले तो आपको APT अपडेट और APT अपग्रेड कर लेना है और मैं आप लोगों को कुछ 2-3 पैकेज इंस्टॉल कराऊंगा। तो फटाक से आप लोगों को पैकेज भी इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो आप जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और यहाँ से मैं APT अपग्रेड कर लेता हूँ। APT अपग्रेड आप लोगों को भी अपडेट और अपग्रेड कर लेना है। APT UPGRADE आप लोगों को APT अपडेट और APT अपग्रेड करने के बाद आप लोग LS लगा देना है। LS के बाद से PKG इंस्टॉल गेट है तो PKG इंस्टॉल कर लेना है आप लोगों को। PKG इंस्टॉल करने के बाद से आप लोगों को PKG इंस्टॉल पाइथन, तो आप लोगों को पहले तो पाइथन लिख देना, मैं रॉन्ग लिख दिया हूँ, PKG इंस्टॉल पाइथन। पाइथन के बाद से हम लोगों को PKG इंस्टॉल पाइथन 2 लगाना है, इंस्टॉल करना है, और PKG इंस्टॉल पाइथन 3। तो मैं फटाक से PKG इंस्टॉल पाइथन 2 इंस्टॉल कर लेता हूँ। पाइथन 2 इंस्टॉल करने के बाद से PKG इंस्टॉल पाइथन 3 और PKG इंस्टॉल गिट क्लोन। तो फटाक से मैं पैकेज को इंस्टॉल कर लेता हूँ। आप लोगों को भी पैकेज 2-3 पैकेज को इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं PKG इंस्टॉल पाइथन 3 को रन करा लेता हूँ। आप लोगों को भी रन कराना है PKG इंस्टॉल पाइथन 3। और इसके बाद से हम लोग जितना भी टूल है मतलब अपग्रेड और अपडेट हो चुका है। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हो मेरे वेबसाइट पर तो आप लोग मुझे यहाँ से फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोगों को अपने टर्मक्स में अगर बैनर बनाना है इस तरह का तो बता दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा किस तरह बैनर बना सकते हो।